हेलो भाई, कैसे हैं? अभी बढ़िया। चलो देखिए, बेसिकली लास्ट क्लास तक हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देख रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ डील किया था। हमने देखे थे 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, नीचे 2 सीरीज होती हैं जिसके अंदर 14-14 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। उसके बाद हमने भोर एंड परी रूल्स देखा था, उसके ऊपर हमने स्कीम देखी थी कैसे हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को, एंड देन फर्दर आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ डील किया था। आज जो हम डील करने वाले हैं, हम आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ जनरल टर्म्स हैं जो यूज होंगी फ्रिक्वेंटली केमिस्ट्री में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो जनरल टर्म्स यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल। कौन सी जनरल टर्म रहेंगे उनके साथ हमें डील करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनको बोला जाता है नॉर्मल, या फिर मोर एक्यूरेटली ज्यादातर क्या लिखा रहता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कौन से होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो देखिए भी, आपके जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो रहेंगे एक्सेप्ट इनर्ट गैस, उनको हम बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस। आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सेकंड बात करते हैं, एक वर्ड यूज होता है टिपिकल एलिमेंट्स। किन एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाएगा? जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट रहेंगे। कौन से? थर्ड पीरियड के एक्सेप्ट इनर्ट गैस। वो जो क्या होंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट, वो आपकी सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे रेस्पेक्टिव ग्रुप्स की। क्या बोल रहा हूँ मैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे, सो प्रॉपर्टी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, इसलिए उनको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। जस्ट ये नेम है, आपको जस्ट याद रखने हैं कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस। क्या करते हैं? सो प्रॉपर्टी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। कौन से होंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये सारे क्या होंगे? आपके टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट? बेसिकली जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और वी कैन से ग्रुप 12। ग्रुप 12 को छोड़ के जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जो डेफिनेशन होती है वो क्या बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं सबसे पहले जो ट्रांजिशन एलिमेंट? आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के इस साइड जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है लेफ्ट में, यहाँ पे बिल्कुल जो राइट में जाएंगे नॉन मेटल्स आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये क्या होते हैं? मेटल्स। और ये क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। ये आपके दो ग्रुप एस ब्लॉक के होते हैं, ये इधर आपके 6 पी ब्लॉक के होते हैं। ये जो बीच के आपके मेटल्स हैं, बीच के जो एलिमेंट्स हैं, इनके थ्रू क्या हुआ? बेसिकली इनके थ्रू आपका ट्रांजिशन हुआ।
किन का ट्रांजिशन हुआ, प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव में चेंज हो गए, मेटल से नॉन मेटल में चेंज हो गए, सो सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी, और वो चेंज किसके थ्रू है, जब आप इन एलिमेंट्स से जा रहे थे। तो इसलिए इन एलिमेंट्स को जो आपके बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करेंगे उन एलिमेंट्स को बोलते हैं क्या, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन रे, क्या रे, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन रे इनटू देयर इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अगर कोई भी एलिमेंट है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट आप कब बोलोगे, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो उस टाइम पे अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उस एलिमेंट के अंदर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, या फिर हम बोलें आयनिक फॉर्म में, जब आपका आयोनाइज हो गया हो, तो उस टाइम पे उसके पास डी सबसेल के अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट। विच कंटेन वन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका बोला जाएगा। यहाँ पे नोट डाल के लिखो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, ग्रुप 12। और ग्रुप 12 कौन सा रहेगा, जिंक कैडमियम मरकरी। ग्रुप 12 को छोड़ के जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे ही क्या रहेंगे, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। ये ग्रुप क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे, इसका जनरल वन एन माइनस वन डी टेन एन एस टू। अगर ये ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे पेयर्ड हैं, और ये जब आयन बनाएंगे तो आयन बनाने पे क्या बनाएंगे, जेड एन टू पॉजिटिव, कैडमियम टू पॉजिटिव, एच जी टू पॉजिटिव। तो आयन बनाने पे भी क्या रहेगा, एन माइनस वन डी टेन एन एस जीरो। अभी भी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड आपका डी सबसेल है, दैट मीन्स कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। सो ये आपके क्या हैं, सो ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, तो आपको याद रखना है, जिंक कैडमियम मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। फिर फर्दर आपके पास जो आता है वो आता है फोर्थ पॉइंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, जो फालतू के आपने पढ़े थे एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक मींस फालतू के एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन क्यों, बिकॉज आपने देखा होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बिल्कुल बीच में थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, सो ये आपके बिल्कुल बीच में लाई करते हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिफ्थ आपका एक टर्म यूज होती है कोइनेज मेटल्स। किन मेटल्स को आप बोलोगे कोइनेज मेटल्स,
तो जो मेटल आपके पास्ट डिकेड्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जो जनरली कॉइन मेकिंग्स में यूज होते थे, उनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स इन पास्ट डिकेड। कौन कौन से रहेंगे? ग्रुप 11, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपके ग्रुप 11 के जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, वो पास्ट डिकेड्स के अंदर कॉइन फॉर्मेशन में यूज होते थे, इसलिए इनको बोला जाता है कॉइनेज मेटल। तो ये आपके कुछ सिंपल सिंपल से आपके टर्म्स हैं जो आपकी यूज होंगी, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी बात करते हैं, आपके पास कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा किस ग्रुप में लाई करता है, किस पीरियड में लाई करता है, किस ब्लॉक के अंदर आपका एलिमेंट लाई करता है, किस में प्रेजेंट है। तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसको प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, अभी आपको वो चीज़ देखनी है। तो अभी आपका है प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, पी जिसको हम पी से लिखेंगे, ग्रुप जिसको हम जी से लिखेंगे, एंड ब्लॉक। ऑफ एलिमेंट आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है एक्स वाई जेड, तो आप कैसे उसका पीरियड बताओगे, ग्रुप बताओगे, ब्लॉक बताओगे, कहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो दो केस होते हैं, या तो आपको एटॉमिक नंबर गिवन है या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, दो केस आपके बनते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है, तो आपका जो पीरियड जो होगा वो कैसे निकालोगे आप? पीरियड किसके इक्वल रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए और आप लिख का पीरियड आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन के इक्वल, एन के आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू रहेगी एन की, वो किसके इक्वल रहेगी? पीरियड के इक्वल रहेगी। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक कैसे? आपको देखना है कौन सी सबसेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस सबसेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस के अंदर जा रहा है देन एस ब्लॉक एलिमेंट, पी के अंदर जा रहा है देन पी ब्लॉक एलिमेंट, डी के अंदर जा रहा है देन डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको क्या देखना है? सबसेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। अगर आपने ये चीज़ देख ली तो आप इजीली क्या कर पाओगे? ब्लॉक को बता पाओगे। पीरियड के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है इनकी, ब्लॉक के लिए आपको जस्ट ये देखना है किस सबसेल के अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप फाइंड आउट प्रिडिक्ट करने के लिए आपको ब्लॉक पहले पता होना चाहिए। आपने ब्लॉक निकाल लिया, आपको पता लग गया एस ब्लॉक एलिमेंट है। सो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? इनर्ट गैस या नोबल गैस आपका NS1, एंड अगर ग्रुप 2 में अगर रहेगा तो क्या रहेगा? इनर्ट गैस NS2। तो जस्ट आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंट है, जो एस सब सेल है, जो एस ब्लॉक है, तो एस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, जो ग्रुप नंबर जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS सबसेल। NS सबसेल के अंदर जितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, उतना ही किस क्या रहेगा आपका ग्रुप नंबर। किसकी बात कर रहा हूँ? ये S ब्लॉक की। आपको ब्लॉक याद होना चाहिए किस ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपने पता किया आपका जो एलिमेंट है उसका ब्लॉक है P ब्लॉक, वो पी ब्लॉक में लाई करता है, पी ब्लॉक में अगर वो लाई करता है तो आपका जो ग्रुप नंबर जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? वो आपका ग्रुप नंबर रहेगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
एनपी सब सेल, जबकि लास्ट सब सेल थी एनपी, उस लास्ट सब सेल के अंदर, लास्ट पी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, प्लस 12 कर देना, वही आपका क्या रहेगा, ग्रुप नंबर। अब ये एग्जांपल देखेंगे तब आपसे क्लियर हो जाएगा। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सब सेल। थर्ड बात करते हैं 4d ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, डी ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ग्रुप नंबर रहेगा वो रहेगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1d सब सेल। अभी तक NSNP अगर S ब्लॉक था तो आपको क्या करना था, ग्रुप नंबर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सब सेल। पी ब्लॉक है देन 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सब सेल। लेकिन अगर D ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर क्या रहेगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N माइनस D सब सेल। और सबसे लास्ट जो आता है वो आता है फोर्थ आपका 4F ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर जो रहेगा, ग्रुप नंबर ऑलवेज इक्वल टू 3, ऑलवेज याद रखना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होना आपका, 3 रहेगा। तो देखो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता लगेगा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। डिटरमाइन पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये आपको डिटरमाइन करना है पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। देखिए यहां पे आपको दे रखा है, सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है आपका 1s2 2s2 2p1। इधर मैं लिख रहा हूँ आपको पीरियड, ये आपका ब्लॉक और ये आपका ग्रुप। तो देखो भी सबसे पीरियड के लिए क्या देखना है, मैक्सिमम एन हाईएस्ट एन क्या है, 2। तो पीरियड क्या हो गया, सेकंड पीरियड। ब्लॉक के लिए आपको चेक करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, 2p के अंदर, पी के अंदर गया है तो ब्लॉक क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, कितना, एनपी सब सेल। एनपी क्या है, 2p, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 12 प्लस 1 13, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 13। सेकंड बात करते हैं आपको क्या होना, सपोज करो जीनोन, ठीक है, 4f7 5d1 6s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है N-2 में जा रहा है F के अंदर। तो बेसिकली इसके लिए तो आपको पता है ग्रुप नंबर F ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक के अंदर तो ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होना है आपका, 3। पीरियड, पीरियड देखेंगे, पीरियड भी आपको पता होना चाहिए क्या रहेगा भाई। पीरियड में देखो लास्ट मैक्सिमम N क्या है, 6, तो पीरियड क्या हो जाएगा, 6। और देखते हैं, सपोज करो आपको गिवन है क्रिप्टन 5d10 6s2 या 4d10 करते हैं 4d10 5s2, ये लिखते हैं क्योंकि फिर लेंथ एंड हाइट का चक्कर नहीं आएगा, ये क्या है। अब देखो मैक्सिमम 5 पीरियड 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1d में जा रहा है, देन ये आपका डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर डी के अंदर 12 प्लस N-1d के इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 प्लस N-1d के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 10 12, ये आपका हो गया। और देखते हैं, सपोज करो आपको गिवन है आर्गन 3 4s2 3d7, मैक्सिमम N 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी के अंदर, सो डी ब्लॉक एलिमेंट, 2 प्लस 7 9, ग्रुप नंबर क्या हो गया, 9। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, पीरियड आपको मैक्सिमम एन देखना है, ब्लॉक के लिए किस लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर आपका जा रहा है,
आपका ब्लॉक बताएगा एंड ग्रुप, ग्रुप नंबर अगर आपको चेक करना है तो ब्लॉक पे डिपेंड करेगा। एस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सबसेल, पी के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबसेल, डी के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1 डी सबसेल, एंड एफ के लिए ऑलवेज 3 आपका रहेगा। अच्छा सर, एस का तो आपने बताया ही नहीं, चलो एस का और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो अपने पास गिवन है नियोन 3s1, तो एन क्या हो गया 3, ये आपका 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस के अंदर, से आपका एस ब्लॉक, पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल, एन एस सब सेल आपका 1, सो पीरियड आपका 1।